तमाम एशियन टीवी न्यूज़ देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की पुरखलूस मुबारकबाद कबूल फरमाइए। खुश रहिए, खुर्रम रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एशियन न्यूज़ के सभी देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शीरखुरमा पीते वक्त मेरे को भी याद करिए। और मेरी तरफ से फिर एक बार आप सभी को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एशियन न्यूज़। तेलंगाना के मुसलमान भाइयों को और बहनों को, पूरों को हमारे लंगरहाउस पुलिस स्टेशन की तरफ से ईद मुबारक बोल रहा हूँ सबको। ये ईद सबको अच्छा होना बोल के, सब शांति से अमन से रहना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सभी को दोस्तों, मैं हूँ हैदराबादी बिग बॉस नवाब। तो एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के सभी चाहने वालों को मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम एहसास एंड एमजे रॉब। आप सबको हम लोग के तरफ से ईद मुबारक और एशियन टीवी के सभी व्यूवर्स को हम लोग के तरफ से ईद मुबारक। ईरानी बिरयानी शिकोरमे की कहानी, ईद मुबारक सबको हमारी तरफ से। तो गाइस, ये दो साल के बाद लिटरली अभी ये बाज़ार में जो माहौल दिख रहा बहुत ही बेहतरीन माहौल है। लिटरली मतलब दो साल के बाद इतना मतलब बाज़ार में और सब जगह मतलब जितने भी वेंडर्स है सबका अच्छे तरीके से बिजनेस हो रहा। इससे पहले दो साल से कोविड के वजह से मतलब इतना रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन अभी जो है दो साल के बाद दिख रहा है कि वाह ईद है बोल के। चांद रात के टाइम पर ये जो माहौल है यहाँ पर बहुत ही प्यारा माहौल है। आप लोग भी ज़रा घर से निकलो और दो साल के बाद एक्सपीरियंस करो ये सब चीज़ें। बिग बॉस का जो गाना है नवाब शेख अन्ना अंदर ऑटो वाला पट्टी का चक्कर पहलवान दे दे रहा सबको टक्कर बाल खान है किराया किधर चलो देखेंगे पूरे एंटरटेनमेंट का बाप हैदराबादी बिग बॉस। तो गाइस बिग बॉस भी देखो, खिराक एपिसोड से बिग बॉस के आने वाला तो मौत है।